अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अरबी का दूसरा सबक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्स सानी, दूसरा सबक। हमारा दूसरा सबक बा के बारे में है। सबसे पहले हम इस सबक की रीडिंग करेंगे। बसौलुन, प्यास। बकौरतुन, गाय। बैतुन, घर। बसौलुन, प्याज। बकौरतुन, गाय। बैतुन, घर। यहाँ तक हमारी रीडिंग मुकम्मल हुई। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इस सबक की एक्सरसाइज बिल्कुल पहले ही सबक की तरह है। जिस तरह हमने पहले सबक में 3 सवाल हल किए थे, बिल्कुल इसी तरह हमारा दूसरा सबक भी हल होगा। हमारा पहला सवाल है, मा हाजा, ये क्या है? हमारा इशारा प्याज की तरफ है, तो हम इसका जवाब देंगे, हाजा बसौलुन, ये प्याज है। हमारा दूसरा सवाल है, हल हाजिही बकौरतुन, क्या ये गाय है? इस सवाल में अब देखें हाजिही क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बकौरतुन मुअन्नस है। मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क हम पहले लेसन में पढ़ चुके थे। बकौरतुन मुअन्नस है, इसलिए यहाँ हाजिही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मुअन्नस चीज़ के साथ हाजिही इस्तेमाल होता है। अब हमारा इशारा गाय की तरफ है, तो हम इसका जवाब देंगे, नाम हाजिही बकौरतुन। तीसरा हमारा सवाल है, हल हादा बसौलुन, क्या ये प्याज है? हालांकि हमारा इशारा जो है वो घर की तरफ है, तो हम जवाब देंगे, ला नहीं, ला बल हाजा बैतुन, नहीं बल्कि ये घर है। ला बल हाजा बैतुन, नहीं बल्कि ये घर है। इसी के साथ आज हमारा दूसरा सबक मुकम्मल हुआ। आपको वर्कशीट दी जाएगी, जिस पर आपको इस लेसन की जो है जो कुछ भी उसमें पूछा जाएगा, उसके बारे में आपको जवाब लिखना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।